Honor 7X या Mi A1, Honor 7X लेना अच्छा रहेगा या Mi A1 लेना अच्छा रहेगा? क्या दोस्तों आप भी कंफ्यूज हैं इन दोनों फोन के बीच में किसी एक फोन को खरीदने के चक्कर में? तो दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बेस पे आप खुद डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। सो गाइस, दिस इज योर होस्ट सौम्य एंड यू आर वाचिंग टेक विजेट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको Honor 7S के अंदर मिलते हैं 5.93 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जो कि आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिजाइन के साथ में। यहाँ पे आपको स्क्रीन के चारों तरफ बहुत ही ग्लेस बेजल देखने को मिलते हैं जो कि इस फोन को काफी प्रीमियम बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाता है। जबकि आपको दूसरी तरफ Mi A1 के अंदर देखने को मिलते हैं 5.5 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एलसीडी पैनल जो कि आता है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो बॉडी डिजाइन के साथ में। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर और नीचे बहुत बड़ी बेजल्स देखने को मिलते हैं Honor 7S के कंपैरिजन में। अगर डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बात करें, आपको दोनों ही फोन्स के अंदर मिलते हैं फुल एचडी रिजोल्यूशन का डिस्प्ले। यहाँ पे आपको Honor 7S के अंदर देखने को मिलते हैं 1080x2160 पिक्सल्स, जहाँ पे आपको Mi A1 के अंदर देखने को मिलते हैं 1080x1920 पिक्सल्स। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स के अंदर सेम शार्पर और सेम ब्राइटर इमेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोनों ही फोन्स पे सनलाइट विजिबिलिटी अच्छा है, पर Mi A1 का सनलाइट विजिबिलिटी स्लाइटली बेटर है Honor 7S के कंपैरिजन में। अगर इंडियन फील की बात करें तो Honor 7S का बॉडी स्लाइटली कर्वी होने की वजह से Honor 7X स्लाइटली अच्छा इंडियन फील देता है Mi A1 के कंपैरिजन में। दोस्तों यहाँ पे 5.93 इंचेस की बड़ा डिस्प्ले और 18:9 एसयू वाला बेजललेस ब्यूटीफुल डिजाइन और स्लाइटली कॉर्पी बैकग्राउंड होने की वजह से Honor 7X स्लाइटली बेटर फील यहाँ पे देगा Mi A1 के कंपैरिजन में। अगर डिस्प्ले आपका मेन प्रायोरिटी है तो आप नो डाउट यहाँ पे Honor 7X को सिलेक्ट करिए। अगर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi A1 के अंदर देखने को मिलते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि आता है Adreno 506 GPU के साथ में। दूसरी तरफ आपको Honor 7S के अंदर देखने को मिलते हैं हाई सिलिकॉन किरिन 659 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि आता है मालिका T830 GPU के साथ में। यहाँ पे हाई सिलिकॉन किरिन 659 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और वेल ऑप्टिमाइज्ड EMUI 5.1 के वजह से Honor 7X स्लाइटली फास्टर परफॉर्म करता है Mi A1 के कंपैरिजन में। और तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है Mi A1 के कंपैरिजन में। अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi A1 के अंदर बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है Honor 7X के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको Mi A1 के अंदर देखने को मिलता है Adreno का 506 GPU जो कि बहुत ही अच्छा GPU है। ये GPU की वजह से यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेम लॉस या कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है गेमिंग करते वक्त। दूसरी तरफ आपको Honor 7X के अंदर हाई ग्राफिक सेटिंग में गेमिंग करते वक्त माइनर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं जो कि इसके GPU के वजह से आपको यहाँ पे माइनर फ्रेम ड्रॉप्स का व्यवहार देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस और रैम मैनेजमेंट के मामले में Honor 7X विनर है, दूसरी तरफ गेमिंग के मामले में यहाँ पे Mi A1 विनर है। अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi A1 के अंदर देखने को मिलते हैं 12 MP 12 MP का डुअल रियर कैमरा, इसमें से पहला है एक रेगुलर कैमरा f/2.2 अपर्चर का, दूसरा है टेलीफोटो लेंस जो कि 2.6 अपर्चर का ऑप्टिकल जूम और पोर्ट्रेट मोड के लिए। दूसरी तरफ आपको मिलते हैं Honor 7X के अंदर उनकी रियर साइड में डुअल लेयर कैमरा, जिसमें से पहला है एक रेगुलर कैमरा 16 MP का f/2.2 अपर्चर के साथ में, दूसरे वाला है एक 2 MP का डेप्थ सेंसर। अगर हम दोनों ही फोन्स के कैमरा कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi A1 के अंदर बहुत ही अच्छी फोटो देखने को मिलते हैं Honor 7X के कंपैरिजन में। ज्यादातर Mi A1 के फोटोज में आपको अच्छे डिटेलिंग और बेटर कलर एक्यूरेसी देखने को मिलते हैं Honor 7X के कंपैरिजन में। और तो यहाँ पे आपको Mi A1 के अंदर Honor 7X से अच्छे लो लाइट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स के अंदर Mi A1 के अंदर सबसे कमाल का पोर्ट्रेट शॉट्स और बुके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं Honor 7X के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको Honor 7X के अंदर ज्यादातर पोर्ट्रेट शॉट्स पे इतना लॉर बैकग्राउंड अच्छे से नहीं होता है, तो अगर आप बुके इफेक्ट और पोर्ट्रेट शॉट्स ज्यादा लेते हैं तो आपको यहाँ पे Mi A1 कंसीडर करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi A1 के अंदर मिलते हैं 5 MP का सेल्फी कैमरा, दूसरी तरफ आपको Honor 7S के अंदर देखने को मिलते हैं 8 MP का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे आपको Honor 7S की सेल्फी में काफी अच्छा डिटेलिंग और ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं Mi A1 के कंपैरिजन में। सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स के अंदर एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि Mi A1 एक एंड्रॉइड वन डिवाइस है तो यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टॉक एंड्रॉइड UI जो कि गूगल के द्वारा कंट्रोल्ड है। यहाँ पे आपको बहुत ही फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी मंथली सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ आपको Honor 7S के अंदर देखने को मिलते हैं EMUI 5.1 जो कि बेस्ड है Android 7 Nougat के ऊपर। इस EMUI के अंदर आपको बहुत सारे एडवांस इनबिल्ट फीचर जैसे कि आप लॉक और आप ट्विन का फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आपको Mi A1 के अंदर एब्सेंट है। हालांकि आप इन सब फीचर थर्ड पार्टी ऐप से एक्सेस कर पाएंगे,
और यहाँ पे आपको Mi 1 के अंदर कंप्लीट स्टॉक 100 एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स के अंदर स्प्लिट स्क्रीन मोड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो जैसे कि Mi 1 एक 101 डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही फास्टर और रेगुलर सिक्योरिटी पैचेस और 100 अपडेट देखने को मिलेंगे Honor 7S के कंपैरिजन में। और यहाँ पे गूगल ने प्रॉमिस किया है कि आपको Mi 1 के अंदर आने वाले एक दो साल में 100 ओरियो और 100 पी का अपडेट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे Honor 7S के अंदर Huawei ने सिर्फ 100 लोगोट और 100 ओरियो का अपडेट देने का प्रॉमिस किया है। आगे 100 पी का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पे Huawei ने कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दिए। अगर आपके लिए 100 अपडेट बहुत मायने लगते हैं तो आप यहाँ पे Mi 1 को कंसीडर कर सकते हैं। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi 1 के अंदर बहुत ही अच्छा लाउड ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलता है बोथ हेडफोन और स्पीकर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक डेडिकेटेड ऑडियो ड्राइवर जो कि आपको Honor 7S के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको Honor 7S में अच्छा साउंड तो मिलता है, पर दोनों ही फोन के कंपैरिजन में आपको Mi 1 के अंदर बहुत ही अच्छा क्लियर साउंड देखने को मिलता है बोथ हेडफोन और इसके स्पीकर के थ्रू। तो अगर आप एक म्यूजिक लवर है और ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं तो यहाँ पे आपको Mi 1 लेना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। हर स्मार्टफोन यूजर की जो मेन प्रायोरिटी होते हैं वो है फोन का बैटरी। यहाँ पे आपको Mi 1 के अंदर देखने को मिलते हैं 3080 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जबकि आपको Honor 7S के अंदर देखने को मिलते हैं 3340 mAh की लिथियम आयन बैटरी। तो Honor 7S के अंदर स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलते हैं Mi 1 के कंपैरिजन में। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपको Mi 1 के अंदर फास्टर चार्जिंग देखने को मिलते हैं Honor 7S के कंपैरिजन में। Honor 7X में 0 से 100% चार्ज करने में लगभग 2 आवर 30 मिनट से ज्यादा लगते हैं, पर आपको Mi 1 में 1 आवर 30 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। बोथ Mi A1 और Honor 7S के पीछे की साइड में आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोनों ही फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत रेस्पॉन्सिव है और Honor 7S का फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत फास्ट है Mi 1 के कंपैरिजन में। अगर सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिलते हैं सभी तरह के बेसिक सेंसर इंक्लूडिंग ऑटो ब्राइटनेस सेंसर और कंपास सेंसर। पर सैड पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे Honor 7S के अंदर जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता है जो कि Mi 1 के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप Honor 7S के थ्रू VR को एंजॉय कर नहीं पाएंगे और दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पे डुअल सिम पोर्टेबिलिटी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। दोस्तों जो आखिरी डिफरेंस है इन दोनों फोन्स के बीच में वो है इन दोनों फोन की प्राइसिंग को लेके। यहाँ पे Honor 7S की 4GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस रखा गया है 13,000 इंडियन रुपीज, जबकि Mi 1 का 4GB RAM प्लस 64GB वेरिएंट जो कि इसका एक ओनली वेरिएंट है इसका प्राइस रखा गया है 13,999 रुपीज, जो कि 1000 परमानेंट डिस्काउंट के साथ अभी अवेलेबल है। दोस्तों बस ये थी कंप्लीट कंपैरिजन Honor 7X और Mi 1 के बीच में। आई होप कि कंपैरिजन देख के आपको डिसाइड कर चुके होंगे आपको कौन सा फोन लेना चाहिए आपके प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर आप अभी तक भी डिसाइड नहीं किए तो मैं ये सभी कंपैरिजन को क्विकली सम अप कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके लिए बड़ी डिस्प्ले, ब्यूटीफुल डिजाइन, अच्छी सेल्फी कैमरा और कस्टम यूआई विद इनबिल्ट फीचर बहुत इंपोर्टेंट है और जायरोस्कोप और पोर्ट्रेट शॉट्स इतना इंपोर्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली Honor 7S को खरीद सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको चाहिए एक्सीलेंट कैमरा, अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी और फास्टर 100 और सिक्योरिटी पैचेस अपडेट विद स्टॉक 100, देन आप डेफिनेटली Mi 1 को खरीदिए। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा इस प्राइस रेंज। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो Honor 7X वर्सेस Mi 1 के कंपैरिजन के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया हो डिसाइड करने में कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये वीडियो देख के अभी तक डिसाइड कर चुके हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आप कौन सा फोन अभी डिसाइड किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सुझाव तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। लास्ट में मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।